आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर आपके टैंक में कुछ शेल्स पड़े हैं और वो गंदे हो गए हैं तो उनको कैसे क्लीन करेंगे। मेरे पास एक ये शेल था, देखिए इस पे आपको इसका कलर जो है वो थोड़ा मटमैला सा हो गया है, तो इसको मैं आज क्लीन करके दिखाऊंगा आपको कि इसको हम क्लीन कैसे कर सकते हैं। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये वो शेल है, शंख है ये, एक्चुअली चंद्रमुखी शंख बोलते हैं इसको। और ये हालांकि मैंने एक्वेरियम में भी नहीं डाला था, ये रखे रखे काफ़ी दिनों से पड़ा हुआ था। आज मुझे एक टैंक में इसको डालने के लिए देना है उनके ओनर को। अगर इसका एक्चुअल कलर आप देखेंगे तो ये है, ये देखिए कितना वाइट है ये, क्योंकि ये ऐसे ही रखा हुआ था। इसके ऊपर मिट्टी गिर गिर के देखिए आप, ये कितना मैला हो चुका है ये। तो आज मैं आपको इसको क्लीन करके दिखाऊंगा। तो उसके लिए हमें जो चाहिए चीज़ें वो हम मैं बता देता हूँ। एक ये शेल, एक हमें चाहिए विनेगर, ये सिंथेटिक विनेगर है जिसको सफ़ेद सिरका भी बोलते हैं हम, ये वो है। मैंने स्प्रे बॉटल में डाल के रखा है, आप इसको वैसे किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा हमें चाहिए एक वेस्ट टूथब्रश, और उसके अलावा धुलने के लिए पानी। तो आज बारिश हो रही है और बारिश के पानी से अच्छा पानी और क्या हो सकता है। मैं आपको पानी बचाने में विश्वास रखता हूँ, तो मैं इसको धुलने के लिए ये जो बूंदे आप देख रहे होंगे ये टपक रही हैं, मैं इसी का प्रयोग करूँगा। पहले इसको हम गीला कर लेते हैं थोड़ा सा। अब इसके ऊपर हम अपना विनेगर जो है वो थोड़ा सा स्प्रे करेंगे। विनेगर जो होता है बहुत अच्छा क्लीनिंग एजेंट है, जितनी भी उस पर डस्ट लगी होती है ये उसको अच्छी तरह से निकाल देता है। उसके बाद आप तो अपने इस शेल को टूथब्रश की सहायता से रगड़ना शुरू कीजिए। बीच बीच में आप विनेगर का स्प्रे करते रहें। ये काफी दिनों से ऐसे ही पड़ा था, इसलिए इस पे मिट्टी जो है बहुत ज्यादा जम चुकी है और इसको निकलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपने अपने किसी एक्वेरियम में शेल को डाल रखा है और उस पर डस्ट वगैरह ऐसी जम चुकी है, जो वेस्ट है, फिश वेस्ट है, वो जम चुका है, तो उसको क्लीन करने में आपको कोई ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। जस्ट आपको उसे पानी से बाहर निकालना है और विनेगर डाल के ब्रश से रब कर देना है और वो उसी समय बिल्कुल चमक जाएगा। इसको पानी के नीचे रख लेते हैं, देखते हैं ये कितना साफ हुआ। ये देखिए, अब मैं आपको इसको दिखाऊं तो आप देखेंगे ये वो हिस्सा है जो हमने अभी क्लीन किया है। हालांकि अभी पूरी तरह से साफ नहीं हुआ है, इसको अभी और क्लीनिंग की ज़रूरत है। और ये वो हिस्सा है जो पहले से था। अब आप इसका फ़र्क जो है वो खुद देख सकते हैं।
अब मैं इसको पहले पूरा अच्छी तरह से क्लीन कर लेता हूँ, उसके बाद आपसे दोबारा फिर दिखाऊंगा कि कैसा क्लीन हुआ। और ये देखिए दोस्तों, मैंने इसको अच्छी तरह से अभी साफ़ कर दिया है और इसको अब मैंने धुलने के लिए रख दिया है। मैं ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, जो मेरी छत से ऊपर से टपक रहा है ये उसी का पानी है, तो उससे मैंने इसको धुल भी दिया है ताकि ये जो विनेगर के ट्रेसेस हैं वो थोड़े निकल जाएं। शेल्स को साफ करने में जो हम विनेगर यूज़ करते हैं उसका सबसे बड़ा मेन रीज़न यही है कि विनेगर जो है वो डाइल्यूटेड सिट्रिक एसिड है, और अगर ये आपके टैंक में थोड़ा बहुत गिर भी जाए तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये पानी को थोड़ा सा एसिडिक करता है तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, ये बिल्कुल सेफ़ है, क्योंकि जो चीज़ हम खा सकते हैं वो नेचुरली है, हम वो सेफ़ है। और शेल्स को साफ़ करने के लिए आप किसी भी डिटर्जेंट या साबुन का प्रयोग ना ही करें तो अच्छा है, लेकिन अगर शेल की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो, अगर वो विनेगर से नहीं निकल रहा है तो आप डिटर्जेंट या सोप का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद फिर आपको उस शेल को बहुत अच्छी तरह से कम 4-5 बार पानी ले लेकर धोना पड़ेगा ताकि उसमें वो साबुन या डिटर्जेंट के जो ट्रेसेस हैं वो बिल्कुल भी ना रहें, क्योंकि अगर एक बार ये ट्रेसेस आपके एक्वेरियम में इंट्रोड्यूस हो गए तो वो आपके पेट्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो यही एक छोटा सा वीडियो था जो आपके साथ मुझे शेयर करना था, और मुझे लगा कि ये टिप आपको बता देनी चाहिए ताकि आपके भी ये काम आए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है दूसरों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इस चीज़ के बारे में पता चले, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ में जो बेल आइकॉन है उसे दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको समय पर नए वीडियोस के नोटिफिकेशन जो हैं वो मिलते रहें। तो मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।